Hi guys. ये मेरा इरेज़र। क्या? ये इरेज़र मिला। इरेज़र मिल गया? कहाँ था? कहाँ रखा था आपने? पेन मिला। बट रखा कहाँ था बेटा आपने? पेन मिला। पेंसिल? पेंसिल कहाँ रखा था आपने? गंदी बात। चलो लिखो, चलो फिल करो। ओके, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसा लग रहा है कई सालों के बाद व्लॉग कर रही हूँ। देखो इसे जरा, देखो त्यांश को। तो गाइस, बहुत दिनों बाद आज व्लॉग कर रही हूँ। लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि मैं क्या बताऊँ। स्पेशली जब से नीरव स्कूल जाने लगा है, बहुत ज़्यादा ही अभी बिजी रह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है दो बच्चे के साथ। वैसे भी आपको काम बहुत ज़्यादा होने लगता है, और अभी तो ध्यांश भी खाना खाने लग गया, तो मुझे काम इतना कि कुछ मत। इसके लिए भी हर बार अलग अलग बनाना, फिर ध्यांश को, फिर नीरव के लिए भी, अगर वो कुछ नहीं खाया फिर कभी मुझे अलग बनाना पड़ता है उसके लिए। सुबह सुबह तो ऐसा रहता है कि पूछो मत, इतनी मतलब जल्दी जल्दी करती हूँ। उसके बाद नीरव स्कूल जाता है, स्कूल उसके जाने के बाद फिर सारा काम वाम जो भी होता है वो करती हूँ। उसके बाद उसके आने का रहता है, तो फटाफट से मुझे उसके आने से पहले खाना बनाना होता है, क्योंकि वो भूखा रहता है, आता है तो फिर वो खाना खाता है। मतलब कैसे इसी तरीके से सारा पूरा दिन निकल जाता है बता नहीं सकते। मैं सोचती हूँ कि नीरव को स्कूल छोड़ने के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी, लेकिन ध्यांश जो है वो मुझे करने नहीं देता है। ध्यांश का मतलब मूड के ऊपर है, अगल होता है। ध्यांश को अभी थोड़ा सा कफ कोल्ड भी हो रखा है, तो बहुत ज़्यादा क्रैंकी होता है, तो फिर मुझे करने नहीं देता है। अभी भी देखो थोड़ी सी इसे कफ कोल्ड अभी तक अच्छे से गया नहीं है ना, तो इसे थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो। हाँ जी, क्या ये कोलाए? तो ग्लू का आप क्या करो बेटा, उसको क्यों लेकर आए हो आप? इरेजर से क्लीन करना, जब गलती हो जाएगा तो। जाओ जाओ चेयर बैठो, उसे बंद करो बेटा, उसको लगा, ढक्कन लगाओ, गंदी बात। तो अभी गाइस जो बहुत बड़ा चेंजेस आया है मेरी लाइफ में, मैं क्या बताऊँ, बहुत कुछ नीरव को अभी सिखा रही हूँ, और इतना अभी इसके अंदर मैच्योरिटी आ गई है। तीन का हो जाएगा अक्टूबर में, तो मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत जब से स्कूल जाने लगा इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है समझदार हो गया है। पहले चिड़चिड़ा जैसे करता था, अब नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ों में समझदारी आई है। उठते ही अब हंसने लगता है, स्माइल करते हुए उठता है, कभी नहीं कि ऐसे रोने लग जाए, पहले ऐसा हो जाता था अक्सर। तो मतलब इतनी समझदारी, चीज़ें कैसे रखना है स्कूल से आने के बाद, अपना शूज सॉक्स कहाँ रखना है, यूनिफॉर्म कहाँ रखना है, अभी से इतना ज़्यादा समझदार हो गया, इतना ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। मतलब हर चीज़ उसको सिखा भी रही हूँ आजकल, कि कैसे करना है आपको, एक अच्छा इंसान कैसे बन रहा है, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देती हूँ। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है कि मैं उसको सिर्फ पढ़ाई दिमाग में डालती जाऊँ, एकदम इंटेलिजेंट बनाऊँ, उसके साथ एक अच्छा इंसान भी बनाना है। अभी उसको बहुत सारी चीज़ें सिखा रही हूँ, बाहर लेके जाती हूँ, तो क्या है हर एक चीज़ सिखा रही हूँ। सोशलाइजेशन के बारे में बता रही हूँ कि क्या होता है, कहीं पर भी किसी से मिलते हो तो कैसे लोगों से बात करना है, कहीं पर भी अगर कोई दिखता है तो, जैसे कि आंटी कोई दिखती है नीचे तो बोलो नमस्ते आंटी, सुबह जब आप स्कूल जाते हो तो गुड मॉर्निंग आंटी, मतलब हर चीज़ उसको मैं बता रही हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं गाइज, इस वजह से ही व्लॉग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए और कुछ छूट जाए, कुछ काम अगर मेरा रह भी जाए, नीरव को पढ़ाना, उसे होमवर्क करवाना, उसके पे ध्यान देना अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, इसलिए सारी चीज़ें मैं अभी कर रही हूँ। देखो तो देखो नीरव अभी सब कुछ फैलाने लग जाता है, तो नीरव का अभी होमवर्क करने का टाइम है इवनिंग में, और तो अभी इवनिंग में नीरव का होमवर्क करने का टाइम है, और ध्यांश का थोड़ा सोने का टाइम हो चुका है, अभी सो नहीं रहा है। देखो इस लड़के को, तो इसका सोने का टाइम अभी है, बट पता नहीं क्यों नहीं सो रहा है, कितना था। नीरव सारे रख दो, फिर आपकी इरेजर फिर खो जाएगी, फिर मुझसे कहोगे मम्मा इरेजर कहाँ गया मेरा, क्या है इसमें? कलर्स है। और क्या है बेटा का? पेंसिल है। और क्या है नीरव का? अच्छा जब आप स्कूल जाते हो, अच्छा आप जो स्कूल जाते हो, आंटी बस में आती है तो क्या बोलते हो? आंटी गुड मॉर्निंग। आंटी गुड मॉर्निंग, गुड जॉब नीरव। तो यही सारी चीज़ें सिखा रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे को स्टार्टिंग से ही सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब वो बड़े हो ना तो किसी चीज़ के लिए उसको इतना सोचना ना पड़े, शरमाए ना।
तो मेरे अंदर थोड़ी सी है वो चीज़ें, शाइनेस मेरे अंदर है, तो वो चीज़ें मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के अंदर किसी भी चीज़ में हो। तो मैं उसको स्टार्टिंग से ही, नो बेटा, स्टार्टिंग से ही बिल्कुल फ्रैंक बनाना चाहती हूँ, बिल्कुल एक यू नो समझदार बनाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि बिगड़ा हुआ एकदम बन जाए, बहुत समझदार उसको बनाना चाहती हूँ। बहुत चीज़ें सीख रहा है, बहुत समझदारी आई जब से स्कूल भेजा, और स्कूल भी इतना अच्छा है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है स्कूल में। जितनी तारीफ करो शायद वो कम होगा, बहुत सोच समझ कर हमने इस स्कूल में डाला है। तो मैं स्कूल का नाम यहाँ नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि ये अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है बताना, बट यार स्कूल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। यस बेटा, कम। तो नीरव को हमेशा अपने डैडी के कपड़े, तो नीरव को हमेशा अपने डैडी के कपड़े पहनना पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है, एनी टाइम अपने डैडी का कपड़ा पहनने का, एनी टाइम। तो नीरव अभी अब उसका होमवर्क करने का टाइम है, मतलब इतना ज़्यादा गाइस लाइफ ऐसा बिजी हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो गाइस पीछे, तो पीछे नीरव के सारे लगे हुए हैं अल्फ़ाबेट्स, मैंने उस दिन ही, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं। एक्चुअली उसको ABCD पूरा आता है, बट कोई कोई उसमें से जो वर्ड है वो नहीं पहचान पाता है, कुछ कुछ इसमें पहचान लेता है, कुछ कुछ नहीं पहचान पाता, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ। और कभी कभार मैं हमेशा पूछती रहती हूँ कि नीरव ये क्या है, बीच बीच से भी पूछती रहती हूँ ये क्या है नीरव ये क्या है, तो बता देता है। बहुत सारी चीज़ नहीं पता है बट बता देता है। काउंटिंग भी 20 तक अच्छे से आता है, वैसे 30 तक बोल लेता है बट थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो जाता है कभी कभी, 20 तक तो फटाफट बोल लेता है। और सारे राइम्स उसको पता है, कोई भी ऐसा राइम्स नहीं जो उसको नहीं आते हो। बेटा चलो जॉनी जॉनी सुना दो। जॉनी जॉनी और जॉनी जॉनी ले पापा, और जॉनी जॉनी ले पापा, मीटिंग शुरू कर लो पापा, टेलिंग लाइज लो पापा, ओपन योर माउथ, और ट्विंकल ट्विंकल तो सुना दो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट आई वांट टू आस्क, तो नीरव का थोड़ा सा अभी पूरा बोल नहीं पाता है बट राइम्स सारे उसको याद है। और नीरव को कौन से हम्टी डम्टी वाला बताओ, हम्टी हम्टी बताओ, could it put Humpty together again, good job Neerav। तो गाइस यही था छोटा सा अपडेट जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी, बताना चाहती थी कि बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, बहुत ज़्यादा प्लस पढ़ाने के साथ हर चीज़ देखना है मुझे कि बिल्कुल घर हमेशा एकदम परफेक्ट रहे और बिल्कुल डिसिप्लिन में रहे हर चीज़, तो इन सब चीज़ों पर भी ज़्यादा ध्यान है, तो इसलिए थोड़ा सा अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। पर जैसे ही ध्यान थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा शायद मुझे अच्छे से टाइम मिल पाएगा तो मैं रेगुलर व्लॉग डाल पाऊँगी। सच बताऊँ तो मैं व्लॉग ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए कर रही हूँ, कुछ दिन तो लगता था ऐसा कि हाँ चलो थोड़े पैसे भी आएंगे तो बहुत अच्छा है, बट अभी सच बताऊँ तो ऐसा नहीं है मेरे मन में कि पैसे के लिए, अगर ऐसा होता तो मैं कुछ भी करके वीडियो डालती ही डालती। सच बताऊँ तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हारा एक जो गैलरी है वो तैयार हो रहा है एक तरह से, जो कभी कभी पुराने वीडियो आप देखते हो आपको बहुत अच्छा फील होता है। जब नीरव 5 मंथ्स 2 मंथ्स का था तब से मैं बना रही हूँ, और आज नीरव 3 का हो गया और ध्यान भी हो गया, दूसरा मेरा बेटा भी हो गया, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है जब आपके ये सारे चीज़ें आपका कहीं पे सेव हो रहा है। कभी कभी फ़ोन में भी डिलीट हो जाता है, कभी फ़ोन ख़राब हो गया है कुछ भी, बट यूट्यूब पे आप कभी भी देख सकते हो, शायद अगर रहेगा इन फ्यूचर तो ध्यान नीरव दोनों देखेंगे, मतलब जब वो देखेंगे तो उनको कितना अच्छा फील होगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इन सब वजह से मैं शायद अभी तक मतलब बना रही हूँ ब्लॉग। क्या डैडी? हाँ डैडी आया, देखो डैडी आ गया, तो इन सब वजह से मैं बना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बट अभी टाइम नहीं मिल रहा है तो इसलिए मैं बना नहीं पा रही हूँ। क्या करना है? मम्मी ओपन कर लो। क्या ओपन करूँ बेबी? डैडी को ओपन कर लो। डैडी को डोर ओपन करूँ? क्या ओपन करूँ? डैडी को ओपन कर। चलो चलो लेट्स सी डैडी आए कि नहीं, एक बार देख पहले चेक तो कर ले डैडी आए कि नहीं।
यस ये ओह गॉड गाइस जब इसके डैडी आ जाते हैं तो मेरी मतलब जान में जान आ जाती है आई एम सो हैप्पी कि आ गए नीरज के डैडी